पेज नंबर 2.26 एग्जांपल नंबर 13 13। हमने स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में कमीशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, एक बिफोर चार्जिंग कमीशन और एक हम लोगों ने डिस्कस किया था आफ्टर चार्जिंग कमीशन। उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे बच्चों एग्जांपल नंबर 13 में। लेट्स सी उन्होंने एग्जांपल 13 में क्या लिखा है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म। X is to get commission of 10% of net profit before charging commission. X को कितना commission देना है बच्चों? 10% is किसके ऊपर commission देना है? Net profit के ऊपर. Y is to get a commission of 10% of net profit after charging all commissions. अनोखी आपको उस दिन वाला डाउट है बेटा. After charging all commissions, सभी commissions को deduct करने के बाद जो profit बचेगा उसके ऊपर सभी कमीशन का मतलब होता है एक्स वाई दोनों की कमीशन डिडक्ट करने के बाद जो बचेगा प्रॉफिट उस पे 10% अपन को देना है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022 वाज 55,000। डिटरमाइन द कमीशन ऑफ एक्स एंड वाई, आल्सो शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। जब भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बोला है बच्चों तो हमको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। पर्टिकुलर रुपीज। सबसे पहले बच्चों आप लोग क्वेश्चन में चेक करो नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है बड़ा। 55,000 कितना दिया बड़ा? 55,000। अब हमको x को कमीशन देना है तो यहाँ लिखेंगे 2x कमीशन या 2x कैपिटल लिख के ब्रैकेट में कमीशन लिखेंगे। x को कितना कमीशन देना है क्वेश्चन चेक करो बेटा। 10% किसके ऊपर? नेट प्रॉफिट के ऊपर बिफोर चार्जिंग नेट प्रॉफिट के ऊपर। तो नेट प्रॉफिट मतलब ये तो 55,000 का आप 10% x को कमीशन दोगे। 55,000 into 10 upon 100 मतलब 5,500। फिर बेटा मैं सब लोगों को कोई कंफ्यूजन। अब इसी तरीके से हमको y को कमीशन देना है बेटा तो 2y's कैपिटल ब्रैकेट में कमीशन। अब ऊपर भी 2x कैपिटल ब्रैकेट में कमीशन देखोगे तो चलेगा। लॉजिक समझना बेटा। y को कितना परसेंटेज कमीशन देना है? 10% आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। ऑल कमीशन का मतलब क्या होता है बच्चों? 55,000 में से x का भी माइनस करना है, y का भी माइनस करना है, उसके बाद जो प्रॉफिट बचे उस पे 10% लेना है। और y का तो कमीशन ही नहीं है तो कैसे माइनस करेंगे बेटा? लॉजिक समझना। नहीं, सिंपल लॉजिक समझना। 55,000 में से हमने पहले 5500 कमीशन x को दे दिया तो बाकी हमारे पास प्रॉफिट कितना बचा? 49,500 आफ्टर चार्जिंग कमीशन। बच्चों आप लोगों को मैंने लास्ट लेक्चर में देखो आफ्टर चार्जिंग कमीशन की फॉर्मूला लिखाई थी। क्या फॉर्मूला लिखाई हुई है देखो बेटा? प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस आर बराबर। तो रेट कितना? वाई को कितना कमीशन देना है? 10% इनटू 10 अपॉन 110। लॉजिक क्लियर बेटा? अगर 5% कमीशन देना होता तो क्या करते हम लोग? इनटू 5 अपॉन 105। 8% देना होता तो इनटू 8 अपॉन 108 करते। लॉजिक क्लियर है बच्चों सब लोगों को बेटा? कोई कंफ्यूजन किसी को? अब इसका निकालेंगे बड़ा, देखते हैं कितना आंसर आता है। 4,500। अब देखते हैं बच्चों एनडीबी कितना आता है। ये 55,000 टू एनडीपी कितना है बच्चों? ये अब हम लोग एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कोई रेशियो है बच्चों? नहीं रेशियो नहीं है तो कौन से रेशियो में? इक्वल रेशियो। मतलब 20,500 x को and 20,500 y। समझे बच्चों सब लोगों को बेटा? कोई कंफ्यूजन सब में? कंप्लीट हो तो बेटा सर। अरे वो यहीं पे दिखाना है इसका वर्क।
एग्जाम्पल 14 पवन एंड पारुल आर पार्टनर्स इन अ फर्म एज पर द पार्टनरशिप डीड पवन इज टू गेट सैलरी ऑफ 30,000 पर मंथ एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन पारुल इज टू गेट अ सैलरी ऑफ 50,000 पीए पीए स्टैंड्स पर एनम पूरे साल की 50,000 है 50,000 per annum and commission of 8% of net profit after charging the commission. Profit after partner's salary. But before commission do achha. Beta dhyan se isko underline karo. Profit after partner's salary but before commission is to partners for the year ended 31st March 2022 was filed at 50,000 show the distribution of profit. Commission dhe diya. Ab ye humne banaya bachon P&L appropriation account. बेटा ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मैंने जहां अंडरलाइन करवाया वो सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों अब है ना हमको नेट प्रॉफिट क्या दिया हुआ है बेटा स्टेटमेंट को फिर से समझोगे प्रॉफिट आफ्टर हां बेटा कौन सा सम है सर एग्जांपल 14 एग्जांपल 14 ओके तो क्या दिया हुआ है बेटा प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर कमीशन टू पार्टनर फॉर द ईयर एंडेड मतलब ये जो आपको प्रॉफिट दिया ना बेटा वो सैलरी डिडक्ट करने के बाद का प्रॉफिट है और हमें जो चाहिए होगा ना बेटा वो सैलरी डिडक्ट करने से पहले का प्रॉफिट चाहिए मतलब हमें चाहिए प्रॉफिट बिफोर सैलरी और इन्होंने क्या किया है उसमें से दोनों पार्टनर की सैलरी माइनस करके फिर हमको दिया हुआ प्रॉफिट आफ्टर सैलरी बच्चों लॉजिक दिया ना जो मैं बोल रहा हूँ बेटा आप लोगों को हमको जो दिया ना बेटा स्टेटमेंट को ध्यान से समझो प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर कमीशन टू पार्टनर्स फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2022 वाज फाइल एट 50,000 सैलरी डिडक्ट करने के बाद का प्रॉफिट है हमें जो चाहिए होता है ना बेटा वो सारी एडजस्टमेंट के पहले का प्रॉफिट चाहिए होता है तो हमको यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर सैलरी दिया हुआ है 5,50,000 अब हमको देखना है बेटा दोनों पार्टनर की सैलरी कितनी है जो पवन है बच्चों पवन का चेक करो बेटा 30,000 पर मंथ की सैलरी है तो 360,000 सैलरी हुई इसकी पवन की और पारुल की कितनी सैलरी है बेटा दोनों का टोटल करो मतलब टोटल सैलरी कितनी हुई बेटा 410,000 हमें चाहिए होता है प्रॉफिट बिफोर सैलरी तो आपको रिवर्स जाना है तो रिवर्स जाने का मतलब क्या होता है बेटा कि आप इसमें सैलरी को क्या करोगे प्लस करोगे तो 550 प्लस 410,000 मतलब 960,000 ये आप लोगों का आएगा बच्चों नेट प्रॉफिट वर्किंग नोट नंबर 1 वर्किंग नोट नंबर 1 शो करना पड़ेगा मैं दे रहा बच्चों सब लोगों को कोई कंफ्यूजन यहां तक बेटा आगे बढ़ूंगा बच्चों अब क्वेश्चन को रीड करते हैं क्या लिखा है पवन एंड पारुल आर पार्टनर्स इन अ फर्म एज पर द पार्टनरशिप डीड पवन इज टू गेट अ सैलरी ऑफ रुपीज 30,000 पर मंथ यहाँ पे मैंने लिखा टू सैलरी ब्रैकेट में पवन या टू पवन कैपिटल ब्रैकेट में सैलरी एक ही बात है 30,000 पर मंथ मतलब 30,000 इनटू 12 टोटल हमको कितनी सैलरी देनी है बेटा 360,000 क्वेश्चन कंटिन्यू बेटा आगे एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन तो यहां पे लिखेंगे टू पवन कैपिटल ब्रैकेट में कमीशन कितनी कमीशन देनी है बेटा पवन को 10% किसके ऊपर देनी है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन तो सीधा जो हमारा नेट प्रॉफिट है 960,000 इसको वर्किंग नोट नंबर 2 करके दिखाओ ये वर्किंग नोट नंबर 2 किसको कमीशन दे रहे हैं पवन्स कमीशन 960,000 इनटू 10 अपॉन 100 96,000 मैं यहां तक क्लियर हूं बच्चों सब लोगों को बेटा कोई कंफ्यूजन किसी को बढ़ो आगे बेटा कंटिन्यू देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है पारुल इज टू गेट अ सैलरी ऑफ रुपीज 50,000 पर एनम यहाँ पे लिखेंगे पारुल्स कैपिटल ब्रैकेट में सैलरी कितना अमाउंट दिया हुआ है बेटा 50,000 क्वेश्चन कंटिन्यू बेटा एंड कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द कमीशन और यहाँ पे टू पारुल्स कैपिटल ब्रैकेट में कमीशन वर्किंग नोट नंबर 3 वर्किंग नोट नंबर 3 बच्चों लॉजिक समझना बेटा आपका प्रॉफिट था 960 आपको बोला है आफ्टर चार्जिंग कमीशन तो उसमें जो पवन की कमीशन है 96,000 उसको आप माइनस करोगे अब आप देखो कितना प्रॉफिट बच रहा है बेटा आपके पास
9,60,000 में से आप 96,000 को माइनस करोगे बेटा, 8,64,000 बचा, और उसके ऊपर कितना परसेंटेज कमीशन निकालने को बोला उन्होंने, आफ्टर चार्जिंग है, तो क्या करोगे मैंने आपको क्या बताया, इनटू 8/100 मैं दे रहा हूं बच्चों सब लोगों को बेटा, तो यहां पे 8% लिखा ना बेटा आफ्टर चार्जिंग, तो आफ्टर चार्जिंग की मैंने उस दिन फॉर्मूला क्या लिखाई थी, प्रॉफिट इनटू आर अपॉन 100 प्लस आर, तो 8% है मतलब 8/100 प्लस 8 मतलब 108, कंसेप्ट क्लियर है बच्चों सबको बेटा, माइनस उसकी कमीशन माइनस करने के बाद, क्योंकि लिखा है ना आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस, सभी कमीशन को डिडक्ट करने के बाद, तो पहले नेट प्रॉफिट में से हमने पवन की कमीशन डिडक्ट की, तो बाकी प्रॉफिट कितना बचा 864, उसके ऊपर हम लोगों को आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, तो 8/108 का कांसेप्ट अप्लाई करेंगे बिफोर चार्जिंग, तो सीधा जैसे इसका निकालो बेटा पवन का 9,60,000 का सीधा 10% निकालो, तो 9,60,000 माइनस भी नहीं करते किसमें आपके, नहीं सीधा जब लिखा है बेटा बिफोर चार्ज नेट प्रॉफिट लिखा है मतलब सीधा नेट प्रॉफिट पे, फिर कोई माइनस करने की जरूरत नहीं है। यस बेटा, सर इसमें जैसे फर्स्ट वाले कमीशन की बात कर रहे, कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, तो सर हमें सैलरी को माइनस करनी पड़ेगी ना, ओनली कमीशन लिखा हुआ है बेटा, ओनली कमीशन लिखा है, ऐसा लिखा होगा ना कि आफ्टर चार्जिंग एवरीथिंग या नेट डिविजिबल प्रॉफिट, आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल कमीशंस एंड नॉन डिविजिबल प्रॉफिट, तो हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर निकालते हैं, या सिर्फ आफ्टर चार्जिंग कमीशन है तो सिर्फ कमीशन को डिडक्ट करेंगे। बच्चों क्लियर हो बेटा, मैं सब लोगों को माइनस करते बेटा सर, अब आप लोग इसका डिफरेंस निकालोगे बेटा, एनडीपी निकालेंगे 9,60,000 में से 360 plus 50, 4 lakh 10, 5 lakh, 5 lakh 70 minus हो जाएगा बेटा, 960 में से 5 lakh 70 minus होगा, 3 lakh, 3 lakh, ID, क्या जाएगा हमारा 2 NDP, ratio क्या बच्चों NDP का, कुछ नहीं है, तो पवन एंड पारम, equal ratio मतलब 195, बच्चों सबको बेटा प्रॉफिट कर दो सर,
अरे सुनो बेटा नेक्स्ट सम बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट वाला, क्योंकि ना एक ही सम के अंदर उन्होंने सारे कॉन्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिलेटेड के क्लियर कर दिए हम लोगों ने, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यूजुअली हमारा चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन होता है अंटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में मेंशन किया। अगर उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया, बच्चों मैं फिर से बोल रहा हूं ध्यान से समझ जाए, अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो आपको कंपलसरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अगर वो चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन है, मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, पार्टनर की सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन है और सफिशियंट प्रॉफिट है तो ही दिया जाएगा, अगर सफिशियंट प्रॉफिट नहीं तो नहीं दिया जाएगा। हमने लास्ट लेक्चर में एक तीन केस वाला मैंने आप लोगों को सम कराया था, उन तीन केस में अलग अलग सिचुएशन थी, प्रॉफिट था, सफिशियंट प्रॉफिट नहीं था और लॉस था, तो उन तीनों सिचुएशन में कैसे सम करते हैं हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सीखा था। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वही कॉन्सेप्ट आगे कैरी करेगा, देखना बेटा ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 15 ध्यान से समझना बेटा, क्या लिखा हुआ है बेटा, x and y are partners sharing profit and loss in the ratio of 2:3 with capitals of rupees 2 lakh and 1 lakh respectively, pass the necessary journal entry or entries for distribution of profit and loss for the year ended 31st March 2022 in each of the alternative cases। हमको सिर्फ journal entries लिखनी है और कुछ भी नहीं करना है बेटा। Case 1 हम लोग एक-एक केस करके सॉल्व करेंगे ताकि एक-एक केस करके लॉजिक क्लियर होता जाए। First case, if partnership deed does not provide for interest on capital and profit for the year is 20,000, interest on capital के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है हमारी डीड में, तो बच्चों अगर डीड में लिखा नहीं है तो क्या हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? नहीं देंगे। तो ये जो 20,000 है ये हमारा नेट प्रॉफिट है। बच्चों मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि नेट प्रॉफिट में से पैसा हम लोग एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे, तो क्या होगी हमारी पहली एंट्री बच्चों, तो वो किसको याद है? P&L to P&L account debited to P&L appropriation 20,000। मैं कह रहा हूँ बच्चों सबको बेटा, ये आपने P&L से पैसा कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया? एप्रोप्रिएशन में। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आपको देना नहीं है, तो सीधा सीधा ये जो पैसा है ये क्या हो जाएगा बेटा? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बेटा? 2:3। तो एप्रोप्रिएशन से ये पैसा निकलेगा, P&L appropriation account debited to किसको किसको मिलेगा बेटा? To X capital to Y capital 20,000, उसको कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे बच्चों? 2:3। 20,000 को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करो, मतलब 8,000। केस वन किया बेटा सबको, कोई कंफ्यूजन केस वन में? केस टू पे चलते हैं, देखते बेटा केस टू में उन लोगों ने क्या लिखा हुआ है। केस टू, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम एंड लॉस फॉर द ईयर इज ₹15,000। अब बच्चों लॉस है बेटा, मैंने आपको क्या बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। तो यहां तो लॉस है, मतलब लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे नहीं। एंट्री समझना बेटा, तो पहली एंट्री लॉस पीएनएल से निकल के अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आएगा, ये हमारी प्रॉफिट की एंट्री थी बेटा, अब ये लॉस है तो एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री क्या हो जाएगी? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पीएनएल। कितना लॉस है बेटा? 15,000। एंट्री वन क्लियर बेटा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैलकुलेट हो नहीं सकता क्योंकि हमारा लॉस है, तो इसीलिए सीधा ये जो हमारा लॉस है वो अब किसको भुगतना है बेटा? ये X and Y को। तो X account debit, क्योंकि X का नुकसान है, Y's account debit to P&L appropriation 15,000, जिसको 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे मतलब 6,000 एंड 9,000। केस वन केस टू दोनों क्लियर हो गए बेटा, पहले यहां तक कंप्लीट करो तो केस थ्री डिस्कस करें, जल्दी स्पीड रखना बेटा।
केस थ्री देखते हैं बेटा क्या लिखा है उन्होंने, ध्यान से बेटा केस थ्री देखो क्या लिखा है बेटा केस थ्री में, इफ पार्टनरशिप डीड provides for interest on capital at 6% per annum and profit for the year is 21,000. बच्चों सबसे पहले जो profit है उस profit को हम लोग P&L से निकाल के कहाँ पे लेके आएंगे बेटा, P&L appropriation. तो हमारी पहली entry होगी P&L account debit to P&L appropriation. कितना profit लेके आए बेटा हम लोग, 21,000. फर्स्ट एंट्री की है बेटा, सबको कोई कंफ्यूजन बेटा फर्स्ट एंट्री में, सेकंड एंट्री. अब हमको दोनों पार्टनर्स को 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है. बच्चों लॉजिक समझना, केविन लॉजिक समझो बेटा, पहले लिखने का काम बाद में. फर्म उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा तो ये फर्म के लिए क्या होगा बच्चों, एक्सपेंस. तो हमारी एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन कौन पार्टनर्स है बेटा, टू एक्स कैपिटल और वाई का कैपिटल कितना है बेटा, 6%, मतलब 6,000. टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा 18,000. क्लियर बेटा? मैंने आपको बच्चों लास्ट लेक्चर में बोला था कि जब भी कोई इनकम या एक्सपेंस आता है उसकी एंट्री करने के बाद तुरंत हम लोग क्या करेंगे, उसको क्लोज करेंगे. तो क्लोज करने की एंट्री क्या होती है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000. एंट्री नंबर थर्ड क्लियर बच्चों, कोई कंफ्यूजन बेटा किसी को. एंट्री नंबर फोर्थ बहुत ध्यान से देखना बेटा, हमारे पास एप्रोप्रिएशन में कितना प्रॉफिट था, 21,000. उसमें से आपने 18,000 रुपया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का निकाल दिया. तो अब आपके पास पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कितने रुपए का प्रॉफिट बचा, 3,000. और ये हमारा क्या कहलाता है बेटा, एनडीपी, नेट डिविजिबल प्रॉफिट, जिसको हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो एंट्री हो जाएगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 3,000 टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल. इसको किस पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे बेटा, 2:3 में, 3000 को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करो, 1200. चारों की चार एंट्रीज एक बार फिर से लॉजिकली समझेंगे. हमारा प्रॉफिट कितना है बेटा, सबसे पहले 21,000. पहले आप प्रॉफिट को पीएनएल में से निकाल के कहां पे लेके आओगे, एप्रोप्रिएशन में, फर्स्ट एंट्री उसकी हुई. सेकंड एंट्री हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है, ये हमारा एक्सपेंस है. तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो इमीडिएटली उसको क्या करना है, आपको क्लोज कर देना है. तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पे डेबिट है, उसको क्लोज करोगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000. अब 21,000 हम पीएनएल से निकाल के एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट का लेके आए थे, उसमें से 18,000 का हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, तो बाकी हमारे पास प्रॉफिट कितना बचा, 3,000. ये हमारा हो जाएगा नेट डिविजिबल प्रॉफिट, जिसको हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो एंट्री पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 3000 टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल 3000 को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट किया, 1200. समझ गए बेटा सब लोगों को, कोई कंफ्यूजन सब में, कंप्लीट कर दो बेटा एग्जांपल 15. बेटा मीटिंग एंड होती तो रिजॉइन करना अगर हो जाए तो.
बच्चों केस थ्री डन, चलो केस फोर, बेटा आप लोग रीजन करो फटाफट।